अरे तो नहीं कनेक्ट हो रहा तो दोनों एक मोबाइल से पढ़ लो यार, अदनान कनेक्ट हो जाए तो ठीक है, तो भाई एक ही मोबाइल से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे जी भैया एक सही पढ़ रहे हैं। ठीक है उसके बाद बेटा प्रोसीजर समझ में आ गया। व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स। तो प्रोसीजर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है रूटीन स्टेप्स का, ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट करनी, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या डिस्क्राइब करता है, ध्यान रखना, प्रोसीजर बेटा डिस्क्राइब करता है एग्जैक्ट मैनर डिस्क्राइब करता है इन विच ऑल द टास्क विल बी परफॉर्म, जितने टास्क या एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएगी एग्जैक्ट मैनर किस तरीके से काम होगा, ठीक है ना। प्रोसीजर ध्यान रखना थोड़ा नैरोअर है स्कोप के अंदर और लेस फ्लेक्सिबल है देन पॉलिसी। बेटा पॉलिसी और स्ट्रेटेजी दोनों दोनों फ्लेक्सिबल है, बात ध्यान रखना। पॉलिसी भी चेंज कर देता है इंसान, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी भी चेंज कर देता है। और प्रोसीजर की बात करें तो बेटा प्रोसीजर थोड़ा स्कोप में नैरो है, पॉलिसीज के अंदर आता है प्रोसीजर। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जो पॉलिसीज बनती हैं पॉलिसीज का पार्ट है प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ये इसका स्कोप जो है वो नैरो है, इसका प्रोसीजर का, ये बात ध्यान रखना। किसका स्कोप ब्रॉडर है? पॉलिसी का। प्रोसीजर इज नैरोअर इन स्कोप एंड लेस फ्लेक्सिबल देन पॉलिसी। पॉलिसी और स्ट्रेटेजी तो फ्लेक्सिबल होते हैं बट बेटा प्रोसीजर फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक बार प्रोसीजर अगर आपने ले डाउन कर दिया किसी काम को करने का, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन द प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि लोग उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग काम करने के बाद क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करने के बाद वो हैबिचुअल हो जाता है उस प्रोसीजर के। तो आप प्रोसीजर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अकस्टम्ड हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो, तो बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस दी नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हैबिचुअल है, अकस्टम्ड है ऑफलाइन क्लासेस के, ठीक है, बट उनके उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि बेटा अगर आप प्रोसीजर में चेंजेस लाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉय से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ये बात पक्का है। तो इस वजह से प्रोसीजर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं लाए जाते, क्लियर है, क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन एनी लेड डाउन प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर के अंदर चेंजेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कर तो देते हैं, ठीक है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। दे आर मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। ऑब्वियसली प्रोसीजर के लिए बाहर पे बाहर वाले पे थोड़ी ना अप्लाई करोगे। किसके लिए बनाए? आपके अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए ले डाउन करा है किस चीज को? प्रोसीजर्स को, ठीक है। तो दे आर नॉट मेंट फॉर आउटसाइडर्स, दे आर मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। एंड इनसाइडर्स कौन है? आपके अपने एम्प्लॉइज, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलें। हाँ जी भैया, उसके बाद आता है बेटा रूल्स। बहुत ही सिंपल रूल्स तो बहुत ही सिंपल है। रूल्स का मतलब है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, बेटा स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इसके अंदर ना ज्यादा बातें घुमा के बोली जाती है, इसके अंदर बिल्कुल सीधा स्पेसिफिक तरीके से बात करी जाती है। बताया जाता है व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो इसको डूज एंड डोंट्स भी बोला जाता है, डूज एंड डोंट्स लिख भी सकते हो, डूज ठीक है, डूज एंड डोंट्स। समझ में आ गई बात, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, दैट इज डूज एंड डोंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, द ओनली डिस्क्रिशन इज लेफ्ट टू द एम्प्लॉइज वेदर टू फॉलो और नॉट टू फॉलो, वेदर टू अप्लाई द रूल्स और नॉट टू अप्लाई द रूल्स। बट इफ यू वायलेट द रूल्स देन पेनल्टी विल बी लेविड ऑन यू, आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप रूल्स को क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तो बेटा सिर्फ हमारे पास डिस्क्रिशन, हमारे पास सिर्फ क्या मर्जी बची, या तो मैं फॉलो करूं या मैं फॉलो ना करूं।
अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मेरे पे क्या लगाई जाएगी पेनल्टी। और मैंने सबसे बड़ी एग्जाम्पल दे रखा है इसका, फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने लिख रखा है नो स्मोकिंग। अब व्हाट इज नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग तो एक बिल्कुल स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करती है। ध्यान रखना रूल्स के अंदर एक बात और है कि रूल्स हमेशा एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करते हैं, तो ये वाला जो रूल है किससे डील कर रहा है, स्मोकिंग से। नो स्मोकिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हमें क्या बता रही है कि हमें क्या नहीं करना, हमें स्मोक नहीं करना, और अगर आप करोगे तो आप पे क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो रूल्स डील्स विद स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से डील करते हैं। क्या इनको रिजिडली एनफोर्स करा जाता है, हाँ एनफोर्स का मतलब लागू कराया जाता है। दे आर मेंट टू एनफोर्स रिजिडली विच गाइड द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है ना, या एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन पे सारे के सारे रूल्स पहली बार सब पे एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर सुपीरियर पे नहीं लगाया बट उसके सबऑर्डिनेट पे लगाया, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंदर बताया क्लियर एंड फेयर रूल्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, सारी बातें बताई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स को ध्यान रखना रिजिडली इन्फोर्स करा जाता है सबके ऊपर टू गाइड द बिहेवियर, बिहेवियर किसका, सारे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ में आ रही बात? तो रूल्स तो बहुत सिंपल, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन, दैट इज डूज एंड डोंट्स। बहुत जगह रूल्स को डूज एंड डोंट्स ही बोलते हैं, बहुत जगह लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या है, मेथड। अब मेथड तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, स्टैंडर्डाइज वे। अब स्टैंडर्डाइज वे को पहले मैं हाईलाइट कर दूं, स्टैंडर्डाइज वे को पता है क्या बोल सकते हैं, और बेस्ट वे, वेरी गुड, बेस्ट वे, बेस्ट वे, हाँ इसको हम बोल सकते हैं बेटा बेस्ट वे। किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है ना, उसको हम मेथड बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो भाई ये क्या बात है, बेटा ये ऐसी बात है कि किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बट उन तरीकों में एक तरीका हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। अब उनमें से अगर एक तरीका बेस्ट है तो वही मेथड है। तो मेथड क्या बोलता है बेटा, मेथड बोलता है कि सारे टास्क को हमें मेथड से परफॉर्म करना है। मेथड इज अ स्टैंडर्डाइज वे ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब, जितने भी रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब है उनको मेथड से परफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या फायदा है बेटा, पहली बात तो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है ऑपरेशन की, कोई पेनल्टी नहीं लगनी अगर आपने मेथड्स को वायलेट करा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और दीज आर फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट्स फॉर गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, ये फ्लेक्सिबल है, मेथड्स हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे प्रोसीजर भी चेंज कर सकते थे ऐसे ही मेथड भी चेंज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। बस एक छोटी सी बात इसके अंदर पढ़नी, मेथड क्या होता है, मेथड कोई भी बेस्ट तरीका होता है काम को करने का, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्या एक से ज्यादा भी बेस्ट तरीके हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात, एक से ज्यादा भी बेस्ट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से बोलो कि सर आप पेमेंट कैसे लोगे, फीस कैसे लोगे, तो बोलो बेटा देखो मेरे पास तो दो ही मेथड है, ठीक है, दो और भी है मेथड बट मैं सिर्फ दो चूज कर रहा हूँ। मैंने बोला बेटा या तो पेटीएम कर दो या मेरा गूगल पे कर दो। अब ऑप्शन ये भी है कि मैं कैश भी ले सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी बातें और भी है, ठीक है, बट मैंने सिर्फ दो दो तरीके मैंने यूज करे। मैंने बोला बेटा या तो पेटीएम कर दो या गूगल पे, तो गूगल पे एंड पेटीएम पता है क्या प्रोसीजर नहीं है, ये मेथड है। क्या ये मेथड, पेमेंट मेथड, जब आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप पेमेंट मेथड लिखा था, पेमेंट मेथड है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से उनको जो बेस्ट लग रहा है उन्होंने सारे ऑप्शन डाल दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक एक पेपैल भी है, कोई कंपनी इसको यूज करती कोई नहीं करती, ठीक है, तो वो कंपनी पे डिपेंड करते है कंपनी के लिए बेस्ट क्या है। तो बेस्ट वे ही जो है वो मेथड कहलाता है, समझ में आ गई बात, वायलेट करोगे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आगे चले बेटा, अब आ जाओ प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स क्या है, बहुत ही सिंपल बात है, प्रोग्राम्स तो बेटा डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है, बस बजट तक करा के ऑफ कर दो, क्लास जाना है। रितेश ज्वाइन हो गए तुम, तो?
रितेश ज्वाइन हो क्लास में, उसके बाद प्रोग्राम्स पे आऊं बेटा। तो प्रोग्राम्स क्या, प्रोग्राम्स बेटा डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है। किस चीज का डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है? डिटेल्ड कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का और रूल्स का, ठीक है ना। इसके अंदर एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। बजट, हाँ वेरी गुड। विदाउट बजट तो कुछ है ही नहीं, विदाउट पैसा तो कुछ काम है ही नहीं, ठीक है। बजट सबके एंड में आएगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। सुनिए भाई बात को, अब प्रोग्राम्स क्या है बेटा, प्रोग्राम्स डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलोगे भैया डिटेल्ड कॉम्बिनेशन किसका, अलग अलग टाइप के प्लान है उनका। पहला है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड करे थे, तो ऑब्जेक्टिव के एंड्स और रिजल्ट टू बी अचीव। उसके बाद पॉलिसीज भी पढ़ी थी हमने, प्रोसीजर्स भी पढ़े थे, रूल्स भी और बजट भी, है ना। बजट अभी हम देख लेंगे क्या होता है, बट मैं बोल रहा हूँ इन सारी चीजों को मिला दो तो एक प्रोग्राम बन जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, अब बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है तो उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, है ना, अच्छे से एंजॉयमेंट हो गए। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है ना। पॉलिसीज मतलब किस तरीके से आपको वो पर्टिकुलर पार्टी अचीव करनी है, ठीक है ना, कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। आप उसके अंदर पॉलिसीज बनाओगे, पॉलिसीज बना के बाद प्रोसीजर बनाओगे कि पहले क्या करोगे आप वहाँ पे, ठीक है ना। पहले सब आएंगे, गेस्ट आएंगे, उसके बाद केक कट किया जाएगा, डांस होगा, सब सीक्वेंस ले डाउन करोगे, जो भी है एक प्रोसीजर हो गया, पूरा सीक्वेंस डिसाइड कर लिया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल अलाउड, ठीक है ना। कुछ ड्रेस कोड वगैरह भी सकता रख लो तो वो भी रूल्स में आता है ना। और अपनी पार्टी का एक बजट भी तो डिसाइड करोगे, है ना, कि मेरा इतना खर्चा होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। तो ये अगर सब कंबाइन कर दोगे, इसको बोलेंगे हम एक प्रोग्राम, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ऑल दीज प्लान्स टुगेदर मेक अ प्रोग्राम, सारे के सारे जो प्लान्स हैं मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब समझ में आ गए सिंपल सी बात की, तो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड बजट। अब लास्ट अगर बजट क्या है बेटा, बजट कुछ नहीं है, बजट एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट। भैया हाँ बोलो, आपकी आवाज क्या आ रही है, क्या अदनान आप सही आ रही है, आपकी आवाज अब सही आ रही है भाई? जी जी अब सही आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बजट पे आ जाऊं तो बजट क्या है बेटा, बजट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किस चीज की स्टेटमेंट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मतलब जो हमें अचीव करने हैं रिजल्ट्स, बट उन रिजल्ट्स को हमने कैसे एक्सप्रेस करा, न्यूमेरिकल टर्म्स में, बस हमने डिजिट्स में लिख रखा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि खर्चा अपना, हमारे पास कितना कैश आता है जाता है, कितनी सेल्स होती है, ठीक है ना, हम कितना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ये कहीं ना कहीं तो लिखते हो, नोट डाउन करते हो, उस स्टेटमेंट को ही बजट बोलते हैं बेटा। बजट के अंदर सारी की सारी चीजें एक्सप्रेस्ड होती है न्यूमेरिकल टर्म्स में, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना, हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। अरे छोटी सी बात और बता दो, इसके अंदर बजट सारे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ये सब डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बजट होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। उनको हम फंक्शनल बजट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शनल बजट। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने बजट होते हैं, बट टॉप लेवल कभी भी एक इंडिविजुअल सबके बजट को रिव्यू नहीं करता, टॉप लेवल हमेशा समरी देखता है बजट की। तो एक बजट ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर सारे जो बजट थे सब मास्टर बजट, हाँ, उसके अंदर उसकी समरी हो, ताकि टॉप लेवल उसको रिव्यू कर पाए, उस बजट को बोलते हैं मास्टर बजट, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है क्या करना है बेटा, अब आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं ढंग से देखना, ऑब्जेक्टिव जैसे मैं बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव, समझ में आ गई बात। जब भी मैं बोलूं स्ट्रेटजी तो आपके माइंड में आना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान्स एंड ब्लूप्रिंट। जब भी मैं बोलूं पॉलिसीज तो आपके माइंड में आना चाहिए जनरल गाइडलाइंस। जब भी मैं बोलूं प्रोसीजर तो आपके माइंड में आना चाहिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जब भी मैं बोलूं रूल्स तो आपके माइंड में आना चाहिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जब भी मैं बोलूं मेथड तो आपके माइंड में आना चाहिए बेस्ट वे और स्टैंडर्डाइज्ड वे। प्रोग्राम बोलूं डिटेल्ड कॉम्बिनेशन किसका, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड बजट।
जब भी बोलूं बजट तो एक स्टेटमेंट है किसकी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। समझ में आ गई बात? क्लियर बेटा, हमारा प्लानिंग खत्म हो गया। एक छोटी सी बात कल मैं जरूर कराऊंगा, पहले नहीं कराई थी, अब करा दूंगा मैं आपको, ठीक है? सिंगल यूज बजट और स्टैंडिंग जो प्लान्स, ठीक है ना, दोनों कराऊंगा, सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स दोनों करेंगे हम कल, ठीक है ना। यहाँ पे करने के बाद बेटा हमारा प्लानिंग भी खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ केस स्टडीज करेंगे, केस स्टडीज कल ही कल में सारी खत्म करा दूंगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज कराएंगी जल्दी जल्दी फास्ट, ऐसे इसकी भी खत्म करा दूंगा सारी की सारी केस स्टडीज, सीधा आएंगे ऑर्गेनाइजिंग पे, रुकना है नहीं, ठीक है? पूरा रिविजन करेंगे, एक चीज पढ़ते चलेंगे, और आप घर पे अपना पढ़ते रहो उसको, क्लियर है? कल की टाइमिंग भी जहां तक यही रहेगी, हमारी टाइमिंग यही चलेगी, या तो 8 बजे या 9 बजे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो कल मिलते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।